आइए आइए, आप ही की कमी थी। देखिए तो आपकी बहनों ने अपने पतियों को कैसे दास बना के रखा है। मतलब कि मेरा पढ़ा हुआ सबक उनको याद है। वेरी गुड। सबक मतलब इसने पट्टी पढ़ाई है? किस खानदान में मेरे बेटे फंस गए? जो भी लड़का होगा उसका नाम सचिन रखें। मैं तो चाहता हूँ वो क्रिकेटर बने। ये फॉलो करो। लड़कियों की तो क्या नाम रखें? माधुरी। क्या? भाई हेलो। हाय। अरे तो नहीं, डोंट गो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई मैंने आप दोनों की आने वाले मेहमानों के लिए स्वेटर बुने हैं। अरे वाह। वाह दीदी वाह। तुम्हें पता है प्रेम, दीदी बहुत अच्छे स्वेटर बुनती हैं। बात ऐसे कर रही है जैसे कोई हीरे जवाहरात लेकर आई है। हाँ ये भी तो सोचने वाली बात है। शुभा जी, आपने कोई हीरे जवाहरात तो दिए नहीं है, स्वेटर ही तो है। दीदी ये साबित करना चाहती हैं कि उन्हें होने वाले बच्चों से कितना प्यार है। लेकिन दीदी क्या आप जानती हैं, उन बच्चों से माँ को आपसे ज्यादा प्यार है। आखिर दादी हैं उनकी, क्यों माँ? ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? सही कहना दीदी, माँ आपको भी साबित करना होगा कि एक दादी पोतों से मासी से ज्यादा प्यार करती है। यहां साइन कर दीजिए। क्यों? माँ आपकी इज्जत का सवाल है। यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो? माँ आपके पोतों के खाते में। अच्छा। ये 10 लाख के 2 चेक हैं। अब माँ इन्हें अपने पोतों के नाम फिक्स डिपॉजिट स्कीम में जमा कराएंगे। अरे माओं के नाम पे जमा करा देते हैं। हाँ ये भी सही है, आखिर माँ का पैसा बच्चों का ही तो होता है। अनीता और पूजा के नाम पे जमा करवा देते हैं। लाओ प्रेम, इसे मैं जमा करवा देती हूँ। भाई आज तो आपने साबित कर दिया कि दादी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ आप सचमुच दिलदार। चलो चलें। चलिए आपको छोड़ आते हैं। आ जाओ। आंटी जी, ये लोग तो आपको बेवकूफ बनाकर 20 लाख का चूना लगा गए। क्या करें, जब अपने बेटे अपने नहीं रहे तो फिर किससे शिकायत करें।